Hello students, welcome back. We were dealing with the chapter, Is Matter Around Us Pure? In this chapter, we had already dealt with the true solutions. In the true solution, we read about the types of solutions, and in the types of solution, we read about the saturated solution, the unsaturated solution, and the supersaturated solution. Now, our today's topic is basically concentration of the solution. Concentration of the solution. Yes, so in the concentration of the solution topic, we are going to start first with the solubility of a substance. Solubility of a substance. कल हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस सॉल्यूट सॉल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट के अंदर खुद को डिसॉल्व कर देता है दैट पार्ट इज नोन एज अ सॉल्यूट एंड ऑफ कोर्स हर सॉल्यूट की कोई ना कोई सॉल्युबिलिटी होती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी बेसिकली सॉल्युबिलिटी मींस The ability of a substance to keep dissolving in a solute, sorry, in a solvent until it forms a saturated solution at a given temperature. Okay, this is known as the solubility of the substance. Suppose we have a beaker in which there are water molecules in the beaker we are having the water molecules in the beaker we are having the water molecules and this is 100 ml of water So, in this, salt is dissolved. Salt is the solute, and this is the solution of salt. And this solution is saturated. क्या मतलब हुआ इसका मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है 100 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन है इसमें क्या मिक्स्ड है सॉल्ट मिक्स्ड है एंड दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड इसमें जो सॉल्ट है दैट इज 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड दिस सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है वो क्या है 30 ग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड लेट अस सी कि जो टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री दैट इज द रूम टेम्परेचर बेसिकली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है दैट इज द 25 डिग्री ओनली 25 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर तो क्या मतलब हुआ थस वी कैन से दैट The solubility of salt is
30 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द वाटर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 30 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, क्योंकि जो मेरे पास 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है एंड उसमें 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैंने डाला तो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया एट 25 डिग्री टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. क्योंकि हमने कल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो सैचुरेशन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर एज वेल एज द वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज होगी सैचुरेशन लेट आएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन लेट आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी सैचुरेशन क्या होगी, लेट आएगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, अब अगर इस टेम्परेचर को मैं 50 डिग्री कर दूं, तो क्योंकि टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सॉल्युबिलिटी थिंग, सॉल्युबिलिटी में जो टेम्परेचर है दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. लेट अस से दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 35 ग्राम्स एट 35 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस. सो क्या हुआ, पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, एक सब्सटेंस की इंक्रीज हो गई. सेम लेट अस टॉक अबाउट द वॉल्यूम. द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज 60 ग्राम पर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉल्यूट की घुलने की क्षमता होती है, कि एक सॉल्यूट कितना घुलेगा और कितना घुलने के बाद वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा. जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना लेता तब तक हम क्या मानते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी से अपनी सॉल्युबिलिटी से वो कम है. नाउ सॉल्युबिलिटी वेरीज फ्रॉम सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वेरी करती ही है, सॉल्वेंट में भी वेरी करती है. सी लेट मी टॉक अबाउट शुगर. Solubility of sugar is 30 gram per 100 ml of water at 25 degree Celsius. Temperature same है लेकिन क्या हो गया, टेम्परेचर सेम है, सॉल्वेंट सेम है लेकिन सॉल्यूट चेंज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई. नाउ वी कैन से पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर. ठीक है, जैसे कि पोलर सब्सटेंस है एक वाटर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस है ऑयल, तो पोलर और नॉन पोलर को हम जब डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा. दैट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solution. What do you mean by concentration of the solution?
the amount of solute dissolved in the amount of solution. This is known as the concentration of the solution. Concentration of the solution matlab ki ek solution ke andar kitna solute dissolved hai usko hum bolenge concentration of the solution. Suppose karo agar mere paas 100 milliliter of water hai to usme अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर है तो उसमें मैंने एक बीकर के अंदर मैंने दिस इज 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिस इज आल्सो 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर दिस इज आल्सो 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर यहां पे मैंने क्या डाला है यहां पे मैंने 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है यहां पे मैंने 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला है एंड यहां पे मैंने 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला है सो कॉन्सेंट्रेशन है इट में डिपेंड ऑन द कंपेरिजन कंपेरेटिवली क्या हो गया दिस इज द डाइल्यूट दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस वन इज इवन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब कंपेरिजन हो गया ठीक है This is the dilute, this is concentrated and this is even more concentrated. ठीक है अगर मैं बात करूं इस सॉल्यूशन की दिस इज द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इसके कंपेरेटिवली दिस सॉल्यूशन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन लेट मी राइट हेयर ए दिस इज द ए सॉल्यूशन दिस इज द बी सॉल्यूशन एंड दिस वन इज द सी सॉल्यूशन सो बी सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इन कंपेरिजन टू सी बट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कंपेरिजन टू ए So it may depend upon solution to solution according to the comparison that we do. Now there are methods of calculating the concentration of the solution. Let us talk about this. We have three basic methods: mass by mass method. Volume by volume method and then we have mass by volume method. What does that mean? We can take out the strength of the solution in this different ways. The first method is mass by mass method. Let us talk about mass by mass method. It tells us the amount of solute dissolved in the अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बेसिकली अमाउंट की जगह यहां पे हम लिख सकते हैं मास मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द मास ऑफ सॉल्यूशन द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व
in the total mass of the solution. This method is mass by mass percentage method multiplied by 100. ठीक है, मास या वी कैन से मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम ए डिनोट करते हैं. एंड कंसिडर सॉल्यूट इज इक्वल्स टू ए, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू बी, एंड सॉल्यूशन क्या बन गया फिर? सॉल्यूशन इज हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. सो सॉल्यूशन है ए प्लस बी. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर इसका हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? इट्स फॉर्मूला विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इनटू 100. दिस इज मास बाय मास मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल, लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल ऑन दिस बेसिस. सपोज द मास ऑफ सॉल्यूट इज, कोई भी सॉल्यूट ले सकते हैं, सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन का मास है 500 ग्राम. टोटल सॉल्यूशन इज द 500 ग्राम. तो हमारे पास जो ये मेथड जो है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि deduce out the concentration of the solution on the basis of mass by mass percentage method. तो हमें, हमारे पास सॉल्यूट है 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन इज 500 ग्राम. तो हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100. द आंसर इज 2%. 2% इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज हैविंग नो एट ऑल यूनिट, नो यूनिट. ठीक है, ओके. नाउ एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. द मास ऑफ द सॉल्यूट इज 20 ग्राम एंड द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 150 ग्राम. तो अब निकालो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास परसेंटेज मेथड. तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि फॉर्मूलाज का क्या होता है. डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी. डब्ल्यू ए इज 20 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 100. इट इज 20 बाय 170 मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड नाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज 200 डिवाइडेड बाय 17%. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, तो इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. आपने सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज मेथड ऑफ डिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास मेथड. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन नो इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है जो हम बेसिकली लिक्विड एंड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड है जो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड. मास बाय मास मेथड में हमने क्या किया था? मास ऑफ द सॉल्यूट को मास ऑफ द सॉल्वेंट के साथ डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ. फिर हमारे पास क्या आ गई थी? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास मेथड. नाउ
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास मेथड में भी क्या होता था, कोई भी यूनिट नहीं होता था, एंड इन दिस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड में भी कोई भी यूनिट नहीं रहेगा. दिस मेथड टेल्स अस द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन concentration as this calculates the mass of, this calculates the volume of solute in the volume of solution multiplied by 100. Let us have an example. That is volume of A, volume of A plus volume of B multiplied by 100. Let us have an example on this basis. Question. Next question is, the volume of solution of NaOH is 500 gram. The amount of NaOH is 50 gram. Calculate the concentration. ठीक है. Next question can be, find out the amount of KOH dissolved in, find out the amount of KOH dissolved in 10% of 1500 milligram of its aqueous solution. Next question. A liquor is made of 5 gram of alcohol, 5 ml, sorry. यहाँ पे भी मुझे ml लिखना है और यहाँ पे मुझे ml लिखना है. Okay. यहाँ पे भी ml लिखना है because we are dealing with the volume and volume method. Okay. A liquor is made up of 5 ml of alcohol in 0.5 L of water. Calculate the concentration. Now, let us start from the first question. We are going to write the answers with the help of this blue marker.
20 ml of HCl is dissolved in 100 ml of water. जो VA की वैल्यू है that is 20 and 20 plus 100. VB की वैल्यू है this is the VA, this is the VB into 100. तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 by 120 into 100. The answer is 200 by 12%. You can calculate it further. The next thing is the volume of the solution is the volume of solution of NaOH is 500 milliliter. That means VA plus VB is equals to 500 milliliter. The amount of NaOH, NaOH is VA. Calculate the concentration. So we can calculate it here. 50 divided by 500 multiplied by 100, that is 10%. The next question, find out the amount of KOH dissolved. This is the percentage that we have. So we can write it as 10% is equals to VA divided by 1500 into 100 divided by 1500 into 100. Yes, ये percentage का sign हटा के हम इसको 100 से इधर वाली side multiply कर सकते हैं and the answer will be 10 into 15 150 milliliter. So 150 milliliter of KOH is dissolved in 10% of aqueous solution of KOH. The next thing is, let us solve the next question in a bit more space. The next thing is, a liquor is made up of 5 ml of alcohol. So the value of VA is 5 ml in 0.5 liter of water. You can write it 0 here. In 0.5 liter of water, the value of VB is 500 milliliter. As we can convert the 0.5 liter into milliliters, that is 500 milliliter. Calculate the concentration. As we know the formula, VA upon VA plus VB multiplied by 100. This is 5 divided by 5 plus 505 multiplied by 100. This is 500 upon 505%. You can solve it further by division. Okay students, that was all for today, and in the next lecture we are going to discuss about mass by volume method and calculating the strength of the solution in further ways. Thank you so much. Thanks a lot.